कृष्ण आप उन प्यारों की बात बताओ जिन्होंने उस परम के आनंद का रस चख लिया है, मतलब ऐसे जो समाधिस्थ हो गए, उनकी भाषा बोलना चलना, उनका व्यवहार, उनका कर्म करना, वो इस दुनिया में कीचड़ की दुनिया में भी जो है निष्पाप होकर जीते हैं। अशांत करने वाले लोगों के बीच भी वो शांत रहते हैं, भड़काने वालों के बीच भी जो भड़कते नहीं है, जिनका मन डावाडोल करने के लिए लोग तरह तरह की कोशिश करते हैं लेकिन उसके बाद भी डावाडोल नहीं होते, वो है कैसे लोग? क्योंकि ऐसे वे लोग जिनकी चर्चा की गई, जहां बैठ गए वहीं स्वर्ग है। याद रखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके जन्म लेते ही घर के अंदर का वातावरण बदल जाता है, बीमार मां स्वस्थ हो जाती है, पिता कर्जे में था उसका कर्जा चला जाता है, जिसका कहीं कोई नाम नहीं था उस कुल खानदान का नाम होना शुरू हो जाता है, जिनकी कोई अक्ल काम नहीं करती थी उनकी अक्ल काम करने लग जाती है, जिनके दरवाजे पर कोई जाना नहीं चाहता उनके दरवाजे पर भीड़ लगने लग जाती है। तो जिन पर वो कृपा होती है, ऐसा जीवात्मा जब किसी घर में प्रवेश करता है तो वहां भाग जाग जाता है, सौभाग्य आ जाता है। ऐसे लोग न जाने किसने किस किस जन्म में क्या क्या पुण्य करके आए हुए लोग होते हैं, क्या उनकी भक्ति होती है, क्या उनकी साधना होती है, पिछले जन्म की भक्ति लेकर के ऐसे लोग दुनिया में आते हैं। लेकिन जो इस जन्म में बैठे हुए हैं तो वो भी समझ लीजिए कि आज अगर साधना भक्ति कर रहे हैं तो ऐसी आत्मा जहां भी जाकर जन्म लेगी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है मैं तुम्हें जहां छोड़ता हूं अगले जन्म में वहीं से फिर पकड़ लेता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं, हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। तो जो भगवान की राह में चल पड़ा तो भगवान उसके साथ हमेशा ही है। इसलिए ये याद रखिए कि पिछले कर्म का हिसाब किताब लेकर के संतान गर्भ में आती है, पिछले जन्म का मित्र है इस जन्म में बेटा बन के आ गया तो बाप बेटे में दोस्त वाला व्यवहार होगा, दोनों आपस में हंसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, बिजनेस में दोनों साथ साथ चलेंगे। और अगर पिछले जन्म की दुश्मनी थी इस जन्म में वही बदला लेने के लिए बेटा घर में आ गया, और बाप बेटे की तो कभी बनेगी नहीं, जब बैठेंगे साथ में झगड़ा जरूर होगा। पत्नी कहती रहेगी आप बैठ के उससे बात किया करो ना, बोले मुझे अपनी इज्जत करानी है, बेइज्जत नहीं करानी, दूर रखो। तो सोचिए बेटा होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो बेटा ही है, पता नहीं बदला ले रहा है, आज का बदला नहीं पिछला, और वो भी बेटा है जो सेवा कराने आया, वो भी बेटा है जो सेवा करने आया, जो सेवा करने आया है वो तो माता पिता की सेवा करेगा, पूरी दुनिया कहेगी कि ये श्रवण पुत्र बन रहा है, इसे तो अकल नहीं दुनियादारी की। लोग कहते हैं पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन भी है, लेकिन फिर भी माँ बाप को कंधे पर बैठा है घूमता है, उनको सुला के सोता है, उनके जागने से पहले जाग जाता है, थकता कभी नहीं। एक वो है जो माँ बाप के कंधे पर सवार है, जिसको लेके रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, और आकर हम लोगों से भी पूछते हैं ये कब तक चलेगा, मैंने कहा जब तक इसकी सांस है आपकी सेवा तो बनी हुई है, क्योंकि पिछला बदला तो चुकाना पड़ेगा। इसलिए कर्म तो एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का आपके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कृष्ण भगवान ने जब गीता सुनाई थी तो ये कहा था कर्म बंधन काटने का रास्ता सिर्फ गीता में है, इसलिए गीता को सुनो, गीता को पढ़ो, मुक्ति इसी से होगी। वे भी होते हैं पुत्र जिसका पिछले जन्म में भी कुछ लेना देना नहीं था आपसे, इस जन्म में भी कोई लेना देना नहीं, इसलिए बाप बेटे दोनों के दोनों बैठेंगे साथ साथ, चुप बैठे दोनों के दोनों, कोई कहे बात करो बोले क्या बात करें, नहीं अपने बेटे से बात करो बोले तू ही करके देख लेना, पता लग जाएगा क्या बात करता है, दोनों चुप बैठे रहेंगे, कोई लेना देना नहीं। और बेटा भी ऐसे कमाल का, पिता अगर समझाने लग जाए तो क्या बोलता, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं,
मैं आपके काम में दखलंदाजी नहीं करता, आप मेरे काम में नहीं करिए। ज्यादा कुछ गड़बड़ करेंगे अलग फ्लैट लेके रहने चला जाऊंगा, अभी तो फिर भी आपके साथ हूं। ना पिछले जन्म में कुछ था ना इस जन्म में कुछ है, लेकिन फिर भी बाप बेटे हैं, बाप की संपत्ति में हकदार बन के बैठा हुआ है। कौन से जन्म का क्या लेकर आया? आप पूरे बंधे हुए कर्मों के साथ सोच के देख लीजिए। और कर्म के बंधन से मुक्त कराने के लिए कहते हैं कि गुरु का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, नहीं तो बंधन में बंधे रहोगे और दुख भोगते रहोगे। गुरु ज्ञान देता है तो कहता है कैसे जीना कैसे चलना। एक वो भी होता है जो पुण्य आत्मा होता है, धर्मात्मा होता है, पिछले जन्म की तपस्या करके इस जन्म में आया। ऐसे पुण्य आत्मा का जन्म लेते ही आपके घर की स्थिति बदल जाएगी। पुण्य आत्मा आया, माँ को ठीक कर दिया, पिता का कारोबार चल पड़ा, पिता का मान सम्मान हुआ, लेकिन लोग जानते हैं बेटे के कारण है। ये जो आ रहे हैं सज्जन, ये उनके पिताजी हैं। और पिताजी जोश में आके कहते हैं, वो जो मेरा बेटा है वो जज है, मैं उसका बाप हूं, जज का बाप। सम्मान पुत्र के कारण हो रहा है, पिता का सम्मान। कुछ भी हो सकता है, समझ लीजिए कि कर्म तो पिछला ही है। और कुछ दुरात्मा जन्म लेते हैं जिसके आते ही मान सम्मान गया, माँ भी बीमार, कर्जा सिर पर, जहां भी जाएगा वहां से शिकायत ही शिकायत आएगी। और आदमी कहता है मेरा बेटा कहने के लिए जरूर है, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। और कितने तो वो हैं जो अखबार में नाम निकालते हैं, इस बेटे से मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई भी आदमी इससे संबंध रखेगा तो अपने भरोसे पर, अपनी जिम्मेदारी पर करे, मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। तो सात तरह के बेटे, एक बेटा सात तरह का रूप लेकर धरती पर आता है। अब कौन सा बेटा आपका है, क्या रूप लेकर आया? ऐसी पत्नी, ऐसे पति, ऐसे ही भाई, ऐसे ही बहन, जो रिश्ते भगवान ने दिए। एक रिश्ते तो आप लोग जोड़ते हैं। और एक बात और देख लेना, कभी कभी तो पिछले जन्म का कर्म ऐसे मित्र देता है, कोई ऐब सिखा देना तो पिछले जन्म का बदला ऐसा लेगा, ऐसे दोस्तों के साथ संग बन जाएगा आपका। कोई जुआ खेलना सिखा देगा, कोई पार्टी में लेकर जाएगा, कोई रेव पार्टी, कोई शराब पार्टी, कोई पतनिक पार्टी। लेकिन कर्म फिलॉसफी पर नहीं बता रहा हूं आपको, सिर्फ ये बता रहा हूं कि सारे बंधनों से काटने के लिए ज्ञान चाहिए आपको, और शरण में आना पड़ेगा। ये तत्व ज्ञान जब आपकी जिंदगी में आता है तो तात्विक दृष्टि से आप जैसे जैसे जागृत होते जाते हैं तो फिर अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन चेहरे पर हर समय आपकी प्रसन्नता रहेगी, प्रफुल्लता रहेगी, और हर रूप को देखते हुए आप ये कहेंगे, देह धरे का दंड है सबको ऊको होए, ज्ञानी भुगते हंस हंस कर, मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी हंसता हुआ सब कुछ भोगता जाता है, मूर्ख आदमी रोते हुए भोगता जाता है। इसलिए अगर इस दुनिया में, संसार के सरोवर में कमल की तरह खिले रहना चाहते हो तो फिर आपको ये गीता जरूर पढ़नी सुननी चाहिए। तो भगवान ने उत्तर दिया, उससे पहले समझाया था कि अर्जुन तुम्हें योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। योग में स्थित होकर के मतलब अपने आनंद में, अपने परमात्मा में जुड़ के कर्म करो, दिव्य चेतना बनाकर कर्म करो, मन के अंदर परमात्मा बसाओ। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो अंतकरण है उसे हर दिन सुबह परमात्मा के आनंद से जोड़कर चार्ज करना शुरू करो, और फिर तुम सतयुग में विचरण करना शुरू करोगे। रहोगे कलयुग में पर तुम्हारे अंदर तो सतयुग है, तो तुम्हारा व्यवहार सतयुग वाला होगा, तुम्हारा स्पर्श भी, तुम्हारी बातचीत भी, तुम्हारा उठना बैठना सतयुग वाला हो जाएगा। और कुछ लोग होते हैं कि जो सतयुग में भी कलयुग की तरह जी रहे होते हैं,
इसलिए जुड़ो अपने आनंद से। एक बात ध्यान रख लेना, हमारे यहां हमारे ग्रंथों में ये बात कही गई है कि हर दिन जब आपकी जिंदगी शुरू होती है जागने से, तो पवित्र होकर और शांत होकर ब्रह्मांड में फैली हुई दिव्य शक्ति के साथ, विश्व शक्ति के साथ अपना संपर्क जोड़ना शुरू करो। संपर्क जोड़ते ही आपके अंदर वो प्रेम और वो आनंद, वो शक्ति, वो शांति बहनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आप इस दुनिया के इंसान नहीं रहते। थोड़ी देर तक तो आप अलग दुनिया के हो जाते हैं, आपके अंदर परमात्मा की कृपाएं बहने लग जाती हैं, अब आपकी सोच ऊंची हो गई, और फिर आपके आसपास अच्छे लोगों का ही साथ आता है। हाँ, बीच बीच में परीक्षा के लिए भगवान जो है ऐसे लोगों का सामना करा देता है, जिससे पता लगता है कि आप सच में अंदर बाहर से परमात्मा वाले हो या लोगों के साथ आपका चैतन्य या आपका अंतकरण प्रभावित हो जाता है। मतलब ये कितने भी अच्छे हों, आपकी परीक्षा तो बोरों के सामने ही होगी। कोई आदमी जंगल में बैठकर साधना करते रहे तो वहां तो अकेला है, झूठ बोलने के लिए कोई है नहीं, तो आदमी कहेगा मैं तो सच्चा हूं। वहां क्रोध करने के लिए भी कोई नहीं, तो आदमी कहेगा क्रोध भी मैंने जीत लिया। वहां मोह करने के लिए भी कोई नहीं, आदमी कहेगा मोह भी मैंने जीत लिया, लालच जीत लिया, क्रोध जीत लिया, मोह जीत लिया, झूठ भी नहीं बोलता, सच्चा हो गया। लेकिन जैसे ही दुनिया में आया, लोग मिले और किसी ने भीड़ में भी चलते चलते आपके पांव पर पांव रख दिया, बस इतने में ही गुस्सा आ गया और मुंह से जो है गाली निकलनी शुरू हुई, तो जंगल में बैठे हुए थे वहां तो लग रहा था हम तो पवित्र हो गए, परीक्षा कहाँ होगी दुनियादारी में। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, ये संसार है परीक्षा क्षेत्र, आपकी असलियत यही पता लगती है। अगर यहाँ आप ठीक हैं तो आप ठीक हैं। इसलिए कहते हैं ना हर भूलो हरि भगवान, ना हर भूलो ना जग भूलो, दोनों चीजें पूरी करनी पड़ेगी, दुनियादारी भी निभानी है, भगवान भी याद करना। ना हर भूलो ना जग भूलो, रहो इस तरह से जिंदगानी में जिस तरह से कमल रहता है तालाब के बंद पानी में, ऐसे रहना होगा। अब इसको भी समझना है कि कमल का उगना किस्मत की बात, उगा कहां कीचड़ में, जन्म कहां हुआ कीचड़ में। हो सकता है कि आपका जन्म बहुत गरीबी में, छोटे कुल में, किसी भी ऐसी जगह में जहां आप कह सकते हैं कि बहुत नीची जगह पर जन्म हुआ, लेकिन कमल की विशेषता यह है वो कीचड़ में पड़ा नहीं रहा, उससे ऊपर उठा, तालाब से भी ऊपर उठा, और उठने के बाद जिस तालाब में पैदा हुआ था उसी की शोभा बन गया, उसको भी सुंदर बना दिया। तुम जहां जन्म लिए हो वह जगह कैसी भी हो, लेकिन अपने कर्म से इतने ऊंचे उठो कि उसकी भी शोभा बन जाओ, जहां बैठते हो उसकी शोभा बन जाओ, जिन रिश्तों में हो उनकी शोभा बन जाओ, जहां आप काम करते हो वहां का श्रृंगार और शोभा भी आप कहलाएं। तो कहते हैं अब कमल जैसा जीना आवे, ये स्वभाव में बनाना पड़ेगा। इसमें कोई भी काम करो तो बेगार टालने वाला नहीं, हर काम आपकी आपका हस्ताक्षर है, आपकी पहचान है, पता लगना चाहिए ये आपने किया है। कुछ आप बोलते हैं तो पता लगना चाहिए ये आपका बोला हुआ है, आप कुछ बोलते हैं तो उस बोलने का कुछ मायना है, ये आपकी ऊंचाई है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने कर्म को ठीक रखने के लिए और अपने मस्तिष्क को ठीक रखने के लिए और अपने अंतकरण को सतयुग वाला बनाने के लिए हमें कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। अब उसे सुनने की कोशिश करेंगे आप लोग। भगवान ने आगे उपदेश दिया, अभी यहां तक तो अर्जुन बोल रहे थे, अब कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण कह रहे हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान,
आत्मनेव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, जिस काल में यह पुरुष सब कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा आत्मा से संतुष्ट हुआ स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो ये तो हो गया अर्थ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, अब समझाना मैंने है। भगवान ये कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर चलती हुई इच्छाओं का प्रवाह व्यक्ति को स्वयं रोकना आ जाए, खुद को शांत करना आ जाए, अपनी लहरों को शांत करना सीख जाए व्यक्ति, जैसे तालाब में लहरें उठती हैं, ऐसे आपके अंदर लहरें उठ रही हैं, और वो लहरें इच्छाओं की हैं, कुछ सुख की कुछ दुख की, और आपके अंदर इतनी लहरें उठ रही हैं कि आप हर समय बेचैन 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 रहते हैं। और ये लहरें छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लहर अंदर से सुनामी वाली उठ जाए तो विनाश कर देती है, समुद्र में से उठती है ना, समुद्र के अंदर से उठती हुई सुनामी की लहर इतना बड़ा तूफान लेकर आती है। आप लोगों ने जापान में कुछ साल पहले टीवी की स्क्रीन पर देखा था, सुनामी लहर आई थी, जिसमें दिखाया गया था लगभग 78 कैमरों से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रिकॉर्ड किया था उन लोगों ने, जो नीचे विनाश लीला चल रही थी। तो 4 नगर तबाह हुए और पानी इतना तेज बहता हुआ आ रहा था, इतना तूफानी बनकर विनाशक बनकर, ये जो कंक्रीट के पुल बने हुए थे वो ऐसे बह रहे थे जैसे कागज के टुकड़े हों। दिखाई दे रहा था कि एक नगर पूरा बसा हुआ है, और थोड़ी देर के बाद नगर का नाम निशान खत्म हो गया, न इंसान न बिल्डिंग कुछ भी नहीं, परमात्मा का पानी ही एक चल पड़े आगे विनाश करने के लिए। तो हमारी तो कुछ बिसाती नहीं है इंसान की। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान, कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहें। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्य प्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न योगिक क्रियाएं इत्यादि, साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।